जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कल वन साइडेड मैच है, कल हमारी जीत है, ओपोजिशन को शिकस्त होगी। सेनेटर फैसल वावड़ा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कल 16 साल के बच्चों के साथ मैच है, डेप्यूटी चेयरमैन के नाम पर कोई डेडलॉक नहीं। सेनेटर फैसल जावेद बोले, वजीर आजम ने वाजे कह दिया है गलती की कोई गुंजाइश नहीं, हक और सच की फतह होगी। ओपोजिशन हर सतह की करप्शन चाहती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ कि ये वन साइडेड मैच है, हमारी जो तगड़ी टीम है वो उतरी हुई है 16 साल के बच्चों के साथ खेलने के लिए। तो जो 16 साल के बच्चों के साथ मैच का रिजल्ट आता है, जिसमें बेहतरीन किस्म की जीत हमारी और शिकस्त आपकी मुंतजर है, कोई डेडलॉक नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो ये तो हमारे पास अभी सब्जेक्ट है भी नहीं जिसके ऊपर कोई परेशानी की बात हुई हो या कोई डिस्कशन भी है सच तो बहुत सीरियसली हो। ऑपोजिशन तो मेरे ख्याल से 2.5 साल से तरस रही है हम कुछ ऑफर कर दें, और उनको हम सब एक ही चीज़ ऑफर कर सकते हैं कि उन चोरों के लिए जेलों की सफाई हो। गलती की गुंजाइश निश्ता, कोई गुंजाइश नहीं है, हाउस अपना फैसला करेगा इंशाल्लाह। पूरी उम्मीद है कि फतह जो है वो सादिक सिंजरानी साहब की होगी, इंशाल्लाह फतह होगी हक की सच की। पहले दिन से कहते रहे हैं कि हमने इलेक्शन के निज़ाम को शफाफ बनाना है, हमने कहा कि ये ओपन बैलेट होनी चाहिए, ओपोजिशन ने उसको मुस्तरद किया। करप्शन का हर सतह से खात्मा करना इमरान खान साहब का मिशन है, और ओपोजिशन चाहती है हर सतह की करप्शन को तहफ्फुज़ देना।